नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। तालिबान पाकिस्तान के रिश्तों में जिस बात का डर था, अब वही होता दिख रहा है। पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान और बड़बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अपने पालतू तालिबान के लिए समर्थन मांग रहे हैं। उधर तालिबान ने डोरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तानी इलाकों में तोपों से गोले बरसा रहा है। यही नहीं, तालिबान ने मौके की नजाकत को देखते हुए अपनी सुरक्षा में रह रहे तहरीके तालिबान के आतंकियों को पाकिस्तान पर हमले करने की हरी झंडी भी दिखा दी है। टीटीपी के हमले में जहां 2 पाक सैनिकों की मौत हो गई है, वहीं तालिबान की गोलाबारी में 4 जवानों के हुरों की खोज में जाने की खबर है। तालिबान द्वारा की जा रही गोलाबारी का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद अपने ही देश में बुरी तरह घिर चुके इमरान खान को कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। तालिबान के हमले में 4 जवानों की मौत से भड़की पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कुनार इलाके में डोरंड लाइन पर जोरदार गोलाबारी शुरू कर दी है। यहां तालिबान के आतंकियों ने पाक सेना की 2 सुरक्षा चौकियों को गोलों से पूरी तरह तबाह कर दिया है। अभी तक भी सीमा पर रह रहकर गोलाबारी चल रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण है। कुनार प्रांत के तालिबानी गवर्नर ने पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलाबारी का आदेश दिया है। पाक सेना द्वारा जवाबी हमले के बाद तालिबान ने दंगाम में अतिरिक्त सेना भेज दी है। तालिबान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की गोलाबारी में कई गांव चपेट में आ गए हैं और इसमें कई ग्रामीण हताहत भी हुए हैं। उनके लड़ाके पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो और अधिक बलों को सीमा पर भेजा जाएगा। यानी तालिबान और पाकिस्तान के बीच अब बढ़िया से ठन गई है। पाकिस्तान ने उम्मीद पाली थी कि अगर उसका पालतू तालिबान सत्ता में आया तो दोनों देशों की सीमा रेखा, जिसे डोरंड लाइन भी कहा जाता है, उसे मनमर्जी से तय कर लिया जाएगा। पर तालिबान ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। उसने पूर्व नागरिक सरकार से भी अधिक कठोर रुख दिखाया है, जिससे दोनों देशों के बीच जंग के आसार बन रहे हैं। गौरतलब है कि काबुल के विरोध की अनदेखी करते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगने वाली 2600 किलोमीटर लंबी सीमा के 90% हिस्से में तार बाड़ लगा चुका है। पाकिस्तान ने जिस सीमा पर बाड़ लगाई है, वह करीब 100 साल पूर्व ब्रिटिश इंडिया सरकार द्वारा तय की गई सीमा रेखा है। लेकिन अफगानिस्तान ने कभी सीमा को स्वीकार नहीं किया। इसे ही डोरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। इस मुद्दे पर पूर्व नागरिक सरकार और आतंकी तालिबान एकमत रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को आशा थी कि अब तालिबान उसका पालतू बन चुका है और वह इस पर ज्यादा ऐतराज नहीं दिखाएगा। पर बाड़बंदी के विरोध में उसने पूर्व सरकार से भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई की है, जिसने डोरंड लाइन पर युद्ध जैसे हालात बना दिए हैं। पाक सेना की हिमाकत का जवाब देने के लिए तालिबान ने 1 दर्जन सैन्य हेलीकॉप्टर्स को गश्त पर लगाया है। इन हेलीकॉप्टर्स में घातक हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाकों को भेजा गया है। पिछले 2 दिन से यह डोरंड लाइन के ऊपर मंडरा रहे हैं। उधर पाकिस्तानी सेना ने भी अतिरिक्त जवानों को सीमा पर रवाना कर दिया है। पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि तार बाड़बंदी हर हाल में पूरी की जाएगी। अगर अफगान बलों ने इसमें अड़ंगा डाला तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ग्रामीणों के मुताबिक सीमा के दोनों तरफ सुरक्षा बलों का भारी जमावड़ा मौजूद है। खास तौर पर 60 किलोमीटर के भीतर भारी हथियारों सहित सैन्य बल तैनात है। तालिबान मोर्टार और तोपों को अग्रिम मोर्चों की तरफ बढ़ा रहा है, जबकि पाक सेना भी अपनी ओर तैयारियों में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, तालिबान बलों द्वारा पाकिस्तान द्वारा लगाई गई बाड़बंदी को खड़ा जा रहा है। वह पाक सेना द्वारा लाए गए कंटीले तारों के स्पूल भी उठा ले गए हैं। ऐसे में तनाव घटने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि इस तनाव के हालात में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने खामोशी की चारपाई पकड़ दी है, जबकि तालिबान की तरफ से आक्रामक बयान आने का सिलसिला जारी है। उधर पाकिस्तानी संसद में भी विपक्ष ने इमरान सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। विपक्ष उनसे सवाल पूछ रहा है कि तालिबान जब पाकिस्तान की सीमा का सम्मान नहीं करते हैं तो उन्हें पाकिस्तान सहयोग देने की बात क्यों कर रहा है। उन्होंने हमारे 4 पाक सैनिकों को अलग कर दिया है और कई गंभीर रूप से घायल पड़े हैं। इमरान खान देश को बताए कि वह तालिबान के खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रहे हैं, लेकिन लोंडे के पास शायद इसका कोई जवाब नहीं है। उसे इसमें भी भारत की साजिश नजर आ रही है। अपने 4 सैनिक गंवाने के बाद भी इमरान खान तालिबान के लिए दुनिया से चंदा मांग रहे हैं, जबकि तालिबान पाकिस्तान की पीठ में ही छुरा घोंप रहा है। इससे साफ है कि डोरंड रेखा को एक तरफा बदलने का पाकिस्तान का ख्वाब मुलाई ख्वाब बन गया है। तालिबान की कठोर कार्रवाई ने उसके पतीले हिला दिए हैं। अब मुंह पिट भी रहा है और साथ में काला भी होता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की हिम्मत जवाब देने लगी है।
खासकर तालिबान की युद्ध वाली धमकी ने उसके पसीने छुड़ाए हुए हैं। तालिबान से उलझने की बजाय शांत बैठना ही अब पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर विकल्प है, क्योंकि जिस तालिबान को अमेरिका परास्त नहीं कर पाया उसे पाकिस्तान जैसा छुचंदर और रैपिस्ट आर्मी की फौज कभी नहीं हरा सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।